आज की स्थिति में ये है कि जो 12 घंटे हमारे ड्यूटी का टाइम ही नहीं है कोई भी क्या आप बैंक में चले जाओ किसी और जगह बैंक में भी पहले टाइम होता था दस से पाँच आजकल के डेट में हो गया जब तक आपका टेबल क्लियर नहीं होता आपने घर नहीं जाना है इंडस्ट्री में चले जाएँ वहाँ बारह घंटे से कम तो ड्यूटी नहीं है सैलरी भी जो मिनिमम वेज रखा हुआ है गवर्नमेंट ने उसी को वो अगर आज की डेट में हमारा नाइन्टी थ्री हंड्रेड है तो वो बोलेंगे आपको ग्यारह हज़ार रुपया मिलेगा या बारह हज़ार मिलेगा आपका ड्यूटी बारह घंटे रेस्ट नहीं मिलता है अगर वर्कर एक छुट्टी मार ले तो उसके दो छुट्टियों के पैसे काटे जाते हैं तो उस तरीके से एक्सप्लाइटेशन हो रही है बाकी जो कंट्रेक्चुअल सिस्टम आ गया है, उसमें और कई किस्म के पी एफ में उसको कवरेज नहीं दिया जाता बराबर ई एस ए में नहीं दिया जाता है किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में अगर सौ लोग हैं तो पचास पे उन्होंने इम्प्लीमेंट पहले थे वही कानून अब है और इम्प्लीमेंटेशन पहले भी ही है और आज, आज भी में ऐसा कुछ नहीं होता है वो लेबर ऑफिसर सिंपली एक बार फोन करता है उनको कि आपके वर्कर की कंप्लेंट आपने सैलरी नहीं दिया ये नहीं वो एम्प्लायर कुछ भी कहते वो आते भी नहीं हैं होना तो ये चाहिए कि लेबर ऑफिसर ने उनको नोटिस दे अपने ऑफिस में बुलाना चाहिए फ़ोन पर बात होती है वर्कर बेचारा घूमता रहता है तो वो बोलता है वो फोन पे बात किया था वो बोलता मैं मालिक बोलता मैं पैसे से इनको इंस्ट्रक्शन दी हुई है हायर अथॉरिटी ने कि आपने किसी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में या दूसरी कोई भी इस्टेब्लिशमेंट होगी आपने वहाँ इंस्पेक्शन करने नहीं जाना है विजिट करने नहीं जाना है तो उसकी वजह से भी जो एम्प्लॉयर है उसको पता है, ये हमारे पास आ नहीं सकता है अगर लेबर ऑफिसर चला भी जाएगा वो बोलेगा आप किसकी परमिशन से आए हो आज इंटरनेशनल लेबर डे है और हर साल पहली मई को ये मनाया जाता है जो लेबर हैं उनकी हकों के लिए जो रेवोल्यूशन हुआ था उनके राइट्स के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी उसी को ऑब्जर्व करने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है और इसी तरह जम्मू में भी ये अलग अलग जगह पर मनाया गया और क्या स्थिति है आज के समय में यहाँ पर लेबर लॉज को लेकर या जो मजदूर तबका है किस तरह और किस हालात में है जो उनके राइट्स हैं उनके बारे में इस समय प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इस पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ भारतीय मजदूर संघ के वर्किंग प्रेजिडेंट हरविंश चौधरी जी हैं इनसे बातचीत करेंगे और आज के दिन जानेंगे कि किस तरह की स्थिति है सर हमारे जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें लेबर लॉस के लेकर और जो लेबर तबका है उसकी जो इस समय प्रेजेंट जहाँ कंडीशन है जो परिस्थिति है वो किस तरह की है सर ऐसे है आज का दिन जो हम मना रहे हैं इंटरनेशनल लेबर डे है मई डे बोलते हैं इसको और जिस समय जो इसको बनाया गया था जो इसका नाम रखा गया था वो शिकागो में हुआ था और क्योंकि वहाँ उस समय एक्सप्लाइटेशन जो वर्किंग क्लास की थी बे बे इंतहा थी और कोई टाइम टेबल नहीं होता था और उसके बाद आठ घंटे का ड्यूटी का टाइम आया और लेबर लेजिस्शंस बने पर आज की डेट में हमें लगता है कि हम दोबारा उसी दौर में जा रहे हैं बड़े ही गोरमेंटें कुछ भी कहें आज हमारे जितने भी वर्किंग क्लास है जो सिक्सटी परसेंट के करीब तो वो आउटसोर्सिंग के थ्रू चल रहा है क्या सरकार और क्या इंडस्ट्री कंट्रैक्ट लेबर सिस्टम आ गया है बारह घंटे ड्यूटी लिया जाता है ओवर टाइम अंडर ला बनाया हुआ है इन्होंने फैक्ट्री एक्ट में कि ओवर टाइम मिलना चाहिए पर वो ओवर टाइम मिलता नहीं है अगर कोई शिकायत करने जाए तो उसकी नौकरी चली जाती है गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है लेबर का वो भी आजकल वहाँ कोई ऐसा इंस्पेक्शन अपने बाई हर्ट नहीं करते हैं कोई कंप्लेंट करे तो ठीक है नहीं तो सब कुछ ओके ओके, ओके ओके चलता रहता है तो आज की स्थिति में हमारी जो वर्किंग क्लास है उसकी पोजीशन कोई ठीक नहीं है तो किस तरह की सर मुश्किलों का ज़्यादातर सामना देखने को आपको मिला है क्योंकि आप इस भारतीय मजदूर संघ जैसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं आपके पास इस तरह के केसेस आते रहते हैं जम्मू में अगर हम देखें तो कैसी कंडीशंस हैं वर्किंग कंडीशंस क्या हैं और कितनी मुश्किलों का कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आज की स्थिति में ये है कि जो बारह घंटे हमारे ड्यूटी का टाइम ही नहीं है कोई भी क्या आप बैंक में चले जाओ किसी और जगह बैंक में भी पहले टाइम होता था दस से पाँच आजकल के डेट में हो गया जब तक आपका टेबल क्लियर नहीं होता आपने घर नहीं जाना है इंडस्ट्री में चले जाएँ वहाँ बारह घंटे से कम तो ड्यूटी नहीं है सैलरी भी जो मिनिमम वेज रखा हुआ है गवर्नमेंट ने उसी को वो अगर आज की डेट में हमारा नाइन्टी थ्री हंड्रेड है तो वो बोलेंगे आपको ग्यारह हज़ार रुपया मिलेगा या बारह हज़ार मिलेगा आपका ड्यूटी बारह घंटे है कोई वीकली रेस्ट नहीं मिलता है अगर वर्कर एक छुट्टी मार ले तो उसके दो छुट्टियों के पैसे काटे जाते हैं तो उस तरीके से एक्सप्लाइटेशन हो रही है बाकी जो कंट्रैक्चुअल सिस्टम आ गया उसमें के और कई किस्म के पी एफ में उसको कवरेज नहीं दिया जाता बराबर ई एस ए में नहीं दिया जाता है किसी भी इस्टेबलिशमेंट में अगर सौ लोग हैं तो पचास पे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है ख़ास करके जो हमारे प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है यहाँ तो बे जबकि जो पढ़ने वा पढ़ाने वाले टीचर हैं वो वेल एजुकेटेड हैं पर अनएम्प्लायमेंट इतनी है एक तो सैलरी उनको मिनिमम वेज भी नहीं मिलती और दूसरा ये है कि वो अगर कहीं पी एफ ई एस आई का मालिक की मर्जी होगी स्कूल मैनेजमेंट की तो ठीक है नहीं तो वो उनको ऐसे ही रखते हैं तो ये भी एक्सप्लाइटेशन है और इसके लिए हम जो भी हमारे पास वर्कर आते हैं हम उनके लिए तो संघर्ष करते हैं पर कितने लोग आएंगे वो तो जो जिसको किसी नौकरी से निकाल दिया उसका राइट नहीं मिलता कोई ग्रैटी नहीं दिया जाता कुछ नहीं दिया जाता तब आके वो कंटेस्ट करता है बेचारा तो लेकिन, लेकिन जिस तरह से राज्य से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया उसके बाद कहा गया था कि केंद्र शासित सरकार के जो भी केंद्र के रूल्स होंगे चाहे वो मिनिमम वेज एक्ट को लेकर होंगे या लेबर लॉस जो भी हैं वो सारे इंप्लीमेंट होंगे तो क्या लगता है सही मायने में यहाँ पर कुछ इस तरह के बदलाव हुए हैं सिवाए एक प्राविडेंट फंड है जो हमारा अभी सेंटर के अंडर चला गया तो वो पहले जेके ई पी एफ ओ हो होता था आज की डेट में ई पी एफ ओ हो, हो गया सेंटर के अंडर चला गया तो बाकी और किसी भी चीज़ में हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ा जो कानून पहले थे वही कानून अब है पर इम्प्लीमेंटेशन पहले भी ही है और आज भी उतनी है मतलब जितना होना चाहिए इतना नहीं है तो जो अभी तीन सौ सत्तर गई उसकी वजह से कोई प्राविडेंट फंड में एक थोड़ा चेंजेस आया बाकी तो हमें कोई फ़र्क नहीं दिखाई दिया हमने सोचा था मिनिमम वेज हमें जैसे यूटी में मिलता है चंडीगढ़ में है दिल्ली में है कहीं है तो हमें भी मिलेगा पर हमारी स्टेट ने उसको अडाप्टी नहीं किया अगर जू टी बनाए तो जूटी के रेट को अकॉर्डिंगली होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन है सारी आज की डेट में गवर्नर के अंडर है तो पाँच साल के बाद इन्होंने हमारा पहले सतासठ सौ रुपया था अभी उन्होंने तिरानवे सौ रुपये किया लेबर का क्लास का तो वो पाँच साल लगा दिए जबकि एक्ट में यह लिखा हुआ है कि जो अगर जहाँ डी नहीं है तो वहाँ दो साल के बाद मिनिमम वेज रिवाइज होना चाहिए हमारे यहाँ डी है ही नहीं है छः साल दो हज़ार सोलह में कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी कि यहाँ इसको दिया जाए डी ए इम्प्लीमेंट किया जाए वो आज की डेट में मिनिमम वेज भी बढ़ गया हमने उस मीटिंग में भी पॉइंट उठाया बोलते नहीं ये सेपरेट करेंगे तो आज तक वो हुआ नहीं है तो जितनी भी हमारी अगर नाइन्टी थ्री हंड्रेड की है तो वो अगर साल की दस परसेंट या आठ परसेंट हो जाए तो वो नीचे चली जाएगी कहने का मकसद यह है कि क्या जो इन्फ्लेशन जब बढ़ती है जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है जो महंगाई के लिए कंपनसेट करना होता है उनकी दिहाड़ी को इंक्लूड करना क्या उस तरह की जो प्रोसेस का समय क्या होता है कि कितनी देर में उसे चीज़ को देखना होता है क्या क्वार्टरली होता है ईयरली होता है या वो और अभी प्र, प्रेजेंट जो सिचुएशन है यहाँ पर किस तरह से इसको लेकर किया जा रहा है अंडर ला तो यह है कि हर छः महीने के बाद जैसे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अपना डी रिवाइज करती है अपने एम्प्लॉज़ के लिए ऐसे जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनके लिए भी करती है जो मिनिमम वेज सेंट्रल का है तो वो हर छः महीने के बाद रिवाइज होता है दो रुपये पाँच रुपये दस रुपये जो भी उसका अकॉर्डिंगली आएगा इंडेक्स के हिसाब से पर अनफॉर्चुनेटली हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी जो सैलरी एक बार इन्होंने कर दी अब नेक्स्ट टाइम जब भी करेंगे तो तब जाके रिवाइज़ करेंगे अदरवाइज़ जहाँ होना तो ये चाहिए कानून तो ये कहता है कि जहाँ मिनिमम वेज जो है अगर तो डी के साथ लिंक्ड है तो फिर मिनिमम तो पाँच साल के बाद उसको करना है अगर डी वगैरह कुछ नहीं है तो फिर आपको दो साल के बाद रिवाइज करना होता है पर यह हमारी अनफॉर्चुनेट ये पोजीशन है, है कि जहाँ जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और एक्सप्लाइटेशन है वर्करों की जो वर्कर्स हैं उनके लिए जब कोई इस तरह की चैलेंज परेशानी उनके सामने आ जाती है तो क्या उनके लिए किसी तरह की कोई लीगल हेल्प के लिए किसी तरह का कोई प्रबंध है सरकार द्वारा कि अगर एम्प्लॉयर उनको किसी तरह एक्सप्लॉइट कर रहा है किसी परेशानी में आ जाते हैं तो उसको लेकर इस समय जम्मू कश्मीर में क्या व्यवस्था है ऐसे वैसे तो जो हमारा लेबर डिपार्टमेंट है इसके हर डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बैठता है पर वहाँ जाके वर्कर को कंप्लेंट से भी कुछ काम नहीं चलता है, अगर कोई केस करेगा तो वो उसको अपने लेवल पे लड़ना पड़ेगा एडवोकेट करे अगर किसी यूनियन के साथ जुड़ा हुआ है तो यूनियन लड़े या खुद अगर उसमें अवेयरनेस है तो वो खुद लड़ सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो टर्मिनेशन का केस है उसके लिए ये लीगल सर्विस जो अथॉरिटी है वो कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उसके लिए हम फ्री लीगल एड देंगे इतना ही है और ऐसा कुछ नहीं है वर्करों के लिए कोई प्लेटफार्म बना हुआ है या कुछ है ऐसा सरकार की तरफ से जो लेबर डिपार्टमेंट है वहाँ शिकायत कर दो तो वो आज की डेट में क्या है कि शिकायत करेंगे तो लेबर ऑफिसर उनको फोन करके पूछेगा भाई आपका शिकायत है वो कुछ भी बोल दे तो उसके बाद वो सिंपल सी रिपोर्ट दे देता है ए एल सी को कि सर वो माना नहीं तो अब आगे देखो आप अब वर्कर बेचारा इतने दिन के लिए होता नहीं है कि वो केस कंटेस्ट करेगा उसका क्लेम भी ज़्यादा नहीं होता है दस बीस पचास हजार का होता है तो वो जहाँ तो हिम्मत करके लड़ता है नहीं तो बेचारा चुपचाप चला जाता है ऐसी तो परिस्थिति में आ, ये जो लेबर कमिश्नर ऑफिस है एएलसी एल है तो उनका किस तरह का वहाँ का प्रबंधन आपको लगता है क्या कोई जो ग्रीवेंसीज उनके पास आती हैं उस हिसाब से क्या जो लेबर तबका है उसके कोई हल निकलता है देखिए सर जो तो जो किसी का कंप्लेंट जो किसी स्टेचुरी प्रोविजन में अगर किसी ने कंप्लेंट किया केस किया है मतलब वो पूरा फॉर्मल तरीके से उसको अपना केस फाइल करना पड़ेगा तो उसमें तो वो महकमा पूरी हेल्प करता है जो वहाँ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होता है तो बाईन लाज वो टिल्ट रहता है कि पूरे वर्किंग क्लास की तरफ से पर वहाँ पहुँचने के लिए वर्कर में इतनी हिम्मत नहीं होती है और ज़्यादातर अगर होना तो ऐसे चाहिए कि जो इनका मैकेनिज़्म ऐसा होना चाहिए कि लेबर ऑफ़िसर जो, जो हैं उनको पावर होनी चाहिए या उनकी अपनी ड्यूटी समझ के वो करें अगर उनको एम्प्लायर को बोला प्रेशराइज करें तो बात बन सकती है पर आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं होता है वो लेबर ऑफ़िसर सिंपली एक बार फ़ोन करता है उनको कि आपके वर्कर की कंप्लेंट आपने सैलरी नहीं दिया ये नहीं वो इंप्लायर कुछ भी कहते वो आते भी नहीं हैं होना तो ये चाहिए कि लेबर ऑफिसर ने उनको नोटिस दे अपने ऑफिस में बुलाना चाहिए फ़ोन पे बात होती है वर्कर बेचारा घूमता रहता है तो वो बोलता है फ़ोन पर बात किया था वो बोलता मैं मालिक बोलता मैं पैसे नहीं दूंगा तो वो पिछले जो एप्लीकेशन देती है उसकी बैक साइड में लिख के दे देते दे हैं कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को दे देंगे कि आप आप इस पर अगली कार्रवाई करो तो वर्कर के लिए वो परेशानी का सबब है होना तो ये चाहिए कि जो लेबर ऑफिसर है पहले वो पूरे एफर्ट्स लगाए उसको वहाँ कंसिलेशन में बुलाए उसको नोटिस निकाले या कुछ भी करे तो फ़ोन वाला कल्चर नहीं होना चाहिए मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इससे जुड़े हुए जो डिपार्टमेंट है उसकी भी कमजोरियां हैं कि वो ढिलाईपन के कारण जो है एम्प्लॉयर्स जो हैं वो एक्सप्लाइट करते हैं एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल बिल्कुल वो लेबर ऑफिसर या जो जो महकमा है उनके एक हद हाँ तक देखा जाए तो उनके भी हाथ बांधे हुए हैं आजकल इनको अला ही नहीं किया कि आप कहीं इंस्पेक्शन करने भी नहीं जाएंगे कहीं है, कोई एक्सप्लाइटेशन uh, हो रही है वहाँ वायलेशन हो रही है ला की तो इन्होंने पीछे से इनको इंस्ट्रक्शन दी हुई है हायर अथॉरिटी ने कि आपने किसी भी इंडस्ट्रियल इस्टैब्लिशमेंट में या दूसरी कोई भी इस्टेब्लिशमेंट में आपने वहाँ इंस्पेक्शन करने नहीं जाना है विजिट करने नहीं जाना है तो उसकी वजह से भी जो एम्प्लर है उसको पता ये हमारे पास आ नहीं सकता है अगर लेबर फीसर चला भी जाएगा वो बोलेगा आप किसकी परमिशन से आए हो तो इसलिए वो जाते ही नहीं है तो ये एक समस्या है गवर्नमेंट को चाहिए कि जो इंस्पेक्शन वगैरह बंद की हुई है आज की डेट में पी एफ ई एस आई की कवरेज बिल्कुल नेग्लिजेबल होती जा रही है क्योंकि ये लोग जाते नहीं हैं और इनका कहना ये होता है कि हमें गवर्नमेंट ने अलाव नहीं किया हुआ जाने के लिए आप हैरान होंगे कि ये ई पी एफ ओ जो बना हुआ है वो दो हज़ार उन्नीस आया हुआ है आज तक जो हमारा रीजनल पी एफ कमिश्नर है इसको पावर्स ही नहीं है कहीं साइड पर जाके विजिट करे किसी को नोटिस निकालने की पावर नहीं है तो क्या फ़ायदा है इम्प्लायर को खुश करने के लिए रखा हुआ है इन्होंने अगर पी एफ की वो कंप्लेंट है वो किसी को नोटिस नहीं निकाल सकता है तो आप हिसाब लगा सकते हो कितना प्रो इम्प्लायर है आज की गवर्नमेंट और हम कहाँ खड़े हैं और वर्कर बेचारा दरबदार हो रहा है हाँ सर बहुत बहुत धन्यवाद ओके सर हाँ तो जैसे अभी आपने सुना कि किस तरीके की जो सिचुएशन इस समय जम्मू कश्मीर में मजदूरों की है और अभी भी जो है उनको कई राइट्स जो हैं उनसे महरूम है उसके लिए फाइट करनी पड़ रही है लेकिन इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि वो भी अपनी तरफ से जो उनके कानून बनाए गए हैं उसको सही तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए तब जाकर जो है इस मजदूर तबके को उनके राइट्स मिल सकेंगे